चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। आठवें नवरात्र के मौके पर शिमला के कालीवाड़ी मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी कालीवाड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लेडी गवर्नर भी मौजूद रही, जिसके बाद राज्यपाल ने राजभवन आकर कन्याओं का पूजन किया और उपस्थित सभी लोगों को फलाहार वितरित किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि ये देवियों के पूजन का समय है। पहले बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन आज देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। देवी ही महागौरी सरस्वती और महालक्ष्मी है। शारदीय नवरात्र का यह अष्टमी है। वैसे तो नवरात्र लोग जानते हैं दो, लेकिन नवरात्र दो और गुप्त होती है, चार नवरात्र की होती है, लेकिन दो नवरात्र की प्रमुखता होती है, जिसमें ये शारदीय नवरात्र इस नाते भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसी के तुरंत बाद कल जो है रामनवमी हो जाएगी, जिसमें राम के जन्म को लोग मानते हैं, और इस नाते इसका और अधिक महत्व हो जाता है। मुझे लगता है कि ये क्रम जो आज राजभवन में हम कर रहे हैं, जो पिछले बार भी थोड़ा सा किए थे, वो पिछले 25 वर्षों से मैं करता चला आ रहा हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में था तो विक्रमादित्य मार्ग पर मेरा आवास था, उसमें मैंने शुरू किया था, और देवी और देवताओं की कृपा है कि वह आज तक छूटा नहीं। तो अब की बार मैं गोरखपुर जाकर के नहीं कर पाया, क्योंकि आचार संहिता के नाते मुझे लगा कि थोड़ा उचित नहीं है, तो हमने राजभवन में ही इसको किया, और इसके साथ ही साथ कालीबाड़ी में भी जाकर करके वहाँ पूजन भी किया, और वहाँ भी लोगों को नवरात्र का फल इत्यादि वितरित किया और पुस्तक दुर्गा सप्तशती का वो करके दिया। मेरा ये मानना है कि दुर्गा की पूजा शक्ति के उपासना के लिए ही केवल नहीं की जानी चाहिए, बल्कि शाकुंभरी का जो रूप है वह पूरे पृथ्वी का पालन करने के लिए शाकुंभरी आई थी। तो उन्होंने पृथ्वी की रचना किया, पृथ्वी का पालन किया, और ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सभी जीवों की रक्षा किया। तो जीव की रक्षा होती है, शक्ति यह नहीं है कि हम बलवान हो जाए, बल्कि देवी की शक्ति यह है कि सबको समान रूप से जान करके और सबको पालन करने का काम करो, जो दुर्गा करती है। इस नाते मैं समझता हूँ कि अच्छा है, अद्भुत है कि हम सब लोग मिल करके आपस में आज नवरात्र के फलाहार को कर रहे हैं। विक्रमी संवत के आधार पर ही त्योहारों की रचना है, सभी त्योहार ये। अब ये अलग का विषय है कि उसमें अप्रैल मई ये सब है तो हो जाता है, लेकिन हम जब संकल्प लेते हैं तो चैत्र का मास है, तो चैत्र के मास को अपने हाथ में लिए हुए जल और पुष्प में जो संकल्प लेते हैं, चैत्र मास की वर्णन करते हैं, तिथि का वर्णन करते हैं, उसमें कहीं अंग्रेजी तिथि का नहीं है। ये नहीं कहते कि हम अप्रैल में कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि चैत्र में कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि काल की गणना अगर किसी ने दिया पूरे विश्व को तो भारत ने दिया, जीरो की गणना किसी ने दिया तो भारत ने दिया। तो भारत की उस संकल्पना को अंग्रेजी पद्धति में अब प्रचलन में है, लेकिन कुल मिलाकर के आखिर हम नवरात्र कर रहे हैं तो अपनी निष्ठा के आधार पर कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। उसको ये करना चाहिए, अंग्रेजी से उसे कोई मतलब नहीं।